वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है आगरा से। आज रात थाना ताजगंज के अंतर्गत रात को लगभग 11:30 बजे पति व माँ बहनों ने मिलकर पत्नी का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। पति का कहना था कि दहेज के कारण घर में झगड़ा, माँ और बहनों ने गला घोट दिया। मौत को अंजाम देर रात को दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाँव वालों का कहना है कि दहेज के लालच में आकर आए दिन पत्नी को गला घोट कर दिन दहेज के पीछे चलता था। कभी झगड़ा, कभी माँ से और बहनों से इस बात को लेकर आज मौत को अंजाम दे दिया। पुलिस ने मौके पर ही 3 लोगों को हिरासत में लिया और पुलिस प्रशासन ताजगंज के द्वारा पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया। मौत को जिसने अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी और उन्हें जल्द से जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। पीड़ित परिवार की कहानी वंदे भारत न्यूज चैनल के साथ। खुलाके में जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खुलाके में जो घटना हुई है, मेरी बहन का रिश्ता किया था 2 साल पहले, उसे आए दिन मारपीट करते थे सास नंद से, देवर भी सब लड़ते रहते थे। कल उनकी हत्या कर दी थी, शायद 6 और 7 बजे के बीच में हुई थी। हमारे लिए खबर मिली थी शायद 11 बजे के और पास मिली थी हमारे लिए। हम 11 बजे आए तो हमारे साथ माँ पहुँचे तो हमारे साथ बहुत कर रहा अन्य पुलिस मारों ने मारपीट भी की थी। हमारे मम्मी पापा भी नहीं आए थे, लाश को भी खींच के ले भी जा रहे थे। आपको किसने बताया कि वहाँ ये ऐसे ऐसे ये हत्या हो गई है? उसके पास हमारे पास ये बताया था, वो रवि ने बताया था घर वालों ने उस लड़की के, क्योंकि वो पुलिस वालों ने फ़ोन करवाया था उनके घर वालों को, तो बुला दो पीर वालों को, लड़की की तरफ से बुला लो 2-4 जब हमारे पास खबर पहुँची थी 11 बजे जैसे जब हम आए थे। पुलिस प्रशासन ने हमारे पास कोई सुनवाई नहीं की थी, दोस्त में पीकर भी थे उन्होंने हमारे साथ उल्टी सीधी गाय भी दी थी, कुछ माँ बहनों से भी झगड़ा हाथापाई भी की थी। उसके साथ वो बॉडी को उठा के ले गए थे। हमने गले रोकने की केस दिख दी, हमारे मम्मी पापा आ रहे हैं बॉडी को 2-4 मिनट रोक लो, 10-5 मिनट रोक लो, पर उसने रोकने भी नहीं दिया। अच्छा, और जो यहाँ पर पुलिस जब पहुँची थी, क्या पुलिस ऐसा कहते हैं कि लोगों का कहना है कि पुलिस नशे की हालत में थी? हाँ थी, नशे की हालत में थी पुलिस, उसमें 3-4 जने थे। अच्छा, और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं गांव के कि रात में जब पुलिस वहाँ पे आई थी तो पुलिस की जो सिपाहियों के पास जो बंदूक होती है उसकी जो मूंद से आपको मारा गया, ये सत्य बात है, मूंद से मारा गया था, गन भी तानी गई थी हमारे ऊपर। अच्छा, और कुछ हाथा चाटी भी चाटा पाता हुआ थी। देखो मेरा ये नाले में पैर गया था, देखो पूरा नाले में मैं गिर गया था। मेरे में दो चाटे दिए थे मेरे में करे करे करे। मेरा नाम बीर सिंह अदगा है। अच्छा, आप मौत हूँ लड़की का। अच्छा, तो क्या घटना हुई? मैं रुक रहा कि बिन के पिताजी नहीं आ जा मैं तो लड़की नहीं उठावा है अदगा तो बहन के तुम फोटो खींच लो वो कर लो वहाँ पे मिल लेना सब बॉडी को। हाँ, बॉडी को ले गए। अच्छा, आपको भी मारा पुलिस वालों ने? हाँ, पुलिस वाला 2 थप्पड़ दिए थे, थाना मुंडी करवाने मारपीट की है, एक लात भी थी पीछे से। मेरे मेरी बहन थी भावना, उसकी मृत्यु हुई थी, उनके देवर और ननद, उसकी सासू भी, उनके रवि भी कहते थे हम तो पुलिस वालों को, इतना पैसा है पुलिस वालों को हम भी खरीद देंगे। आए दिन झगड़ते रहते थे, आए दिन 4 पहिए गाड़ी की डिमांड करते थे। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मेरी बहन को कड़ी से कड़ी सजा दी। अच्छा, जो लड़की के साथ में आपकी जो लड़की थी, क्या नाम था लड़की का? भावना। अच्छा, कितने दिन पहले शादी की थी आपने? करीब 2 साल सी हो गई, और जो फरवरी में 2 साल सी करीब हो गई है। कि जिससे कि लड़की कुछ नहीं, लड़की के घर वालों ने मार डाला? कुछ नहीं, उसकी जो लड़के की बहनें थी वो आए दिन लड़की से लड़ती थी के, जबकि हमने 20 लाख शादी में लगाया, कहती थी हमारे लिए 4 पहिए की गाड़ी ला फलानो कलाम बुलाओ, इसीलिए बुलेट भी दी थी 3 लाख वाली। आए दिन लगड़े उसकी सास और वो लड़की रोजाना लड़ाई करती थी, उसका देवर भी थे दोनों वो भी का सनी। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की ने फांसी लगाई? नहीं नहीं नहीं, वो गलत बात है, फांसी नहीं लगाई है, मारी है, मारी गई है, वो सब निशान लगे हुए हैं सभी। हाँ, जब लड़की को उन्होंने मारा था तो उनके चेहरे पर और या रस्सी के निशान नहीं आते,
उन्होंने खुद ही उनको गला दबा के ये कि खुदकुशी नहीं की, लड़की ने लड़की को मारा, लड़की को मारा है गला दबा के तकियों से, उनसे छाती पे चोट पे नाखूनों के निशान यहाँ बने हुए हैं, या गड्ढा है करीब उंगली चली जाएगी। आपकी पुलिस प्रशासन ने कोई भी मदद नहीं, कोई कुछ नहीं सा, मारपीट ही हम तो